सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। सभी बच्चे इस सेशन से जुड़ जाइएगा, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी बुक के साथ, ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठ ले करिए। आकाश कहाँ है तेरा पेन कॉपी? ये रहा है। बुक कहाँ है तुम सबकी? बुक नहीं लाएगा तुम भाई यार। बुक कहाँ है सब्जेक्ट के पास है? मेरी भी अभिषेक के पास है। पढ़ अभिषेक क्वेश्चन पढ़। कहाँ से होना है आज? हाँ, एक्सरसाइज चल रही है बच्चों, ये 9.3, ठीक है। चलो पढ़ो फटाफट पढ़ो। हाँ, एक श्रेणी को ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ, अब सुन लो सभी बच्चे ध्यान से। एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम दो पदों का योगफल -4 है तथा पांचवा पद तृतीय पद के, यानी तृतीय पद थर्ड जो टर्म है उसका 4 गुना है, 4 टाइम्स है, ठीक है। तीसरा जो जीबी का पद है उसका क्या है, 4 गुना है तृतीय पद। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो वैल्यू गिवन है जो हमें लेट करना है पहले वो लिख देंगे, ठीक है। हमें कहता है कि एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करनी है। क्या निकालना है? गुणोत्तर श्रेणी क्या निकालना है हमें क्वेश्चन में? गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी निकालना है, ठीक है। जीपी को फाइंड करना है जिसका प्रथम दो पदों का योगफल दे रखा -4 तथा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है, ठीक है। पांचवा पद क्या है? तृतीय पद का 4 गुना है, ध्यान रहे। क्या कहा मैंने? पांचवा पद A5 तृतीय पद का 4 गुना। तृतीय में क्या करना है? 4 से गुणा करनी है ऐसे, ठीक है। ध्यान रहे इस बात का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। और हमें जीपी निकालनी है, पहले यहाँ पे सुन लो जरा, हमें क्या निकालना है? जीपी निकालना है। अब वी नो डैट हम जानते हैं कि जीपी निकालने के लिए हमारे पास 2 टर्म्स होनी चाहिए, एक तो सार्व अनुपात कॉमन रेशियो और एक तो प्रथम पद जीपी का। तो अभी हमारे पास ये नहीं है, ठीक है। अभी केवल इसने हमें क्या दिया है, हमें कहता है कि एक गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम दो पदों का योगफल दे रखा है, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं हम यहाँ पर कि माना सॉल्यूशन नंबर कौन सा क्वेश्चन है ये 16। माना जीपी का गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद मान लिया हमने क्या ए तथा जीपी का सार्व अनुपात कॉमन रेशियो सार्व अनुपात इसको लेट कर लिया हमने आर। कॉमन रेशियो को हम क्या बोलते हैं? आर, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात, जिसके प्रथम दो पदों का योगफल -4 है। तो देखिए यहां पर दिया है, गिवन डेट दिया है कि गिवन प्रथम दो पदों का योगफल यानी S2 की वैल्यू, S2 प्रथम दो पदों के योगफल को क्या बोलते हैं? S2 बोलते है, नहीं बोलते S2 प्रथम दो पदों का योगफल S2 कितना है? -4 है, ठीक है। और तथा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। पांचवा पद क्या है? हाँ, पांचवा पद यानी जो A5 है वो तीसरा जो पद है ना A3 उससे कितनी गुना है? तृतीय पद का 4 गुना है। तो इसमें 4 से गुना करनी पड़ेगी। ऐसी क्या बोला इसने? पांचवे पद का जो मान है, जो तीसरा टर्म्स होगा उसका क्या होगा? 4 टाइम्स होगा ना, 4 गुना होगा। 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 4 गुना है ना, 4 गुना हिंदी में बोलते 4 गुना। तो सही से लिख लो इसको पहले, 4 इंटू में तृतीय पद A3 ऐसे, ठीक है। चलो अब थोड़ा सिंपलीफाई कर लो यहाँ पर, और होर हमें क्या निकालना था एक बार होर देख लो जरा। हमें जीपी निकालनी खाली, बाकी हमें केवल ये दोनों वैल्यू गिवन है, ठीक है। जीपी निकालनी, गुणोत्तर श्रेणी निकालनी है। तो सबसे पहले ध्यान दो, सिंस हम जानते हैं कि A5 को निकालने का फॉर्मूला कौन बताएगा? जीपी का पांचवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? AR की पावर 4। हाँ, AR की पावर 4
फोर मल्टीप्लाई ए थ्री ए आर स्क्वायर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए आर स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर। लिख सकता हूँ नहीं, आर की घात सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाएगी, आर की पावर फोर इंटू ई, इसको चाहे अलग रख दो ब्रैकेट में से, ठीक है। इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर सेम, ठीक है। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया, तो देयर फॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, या इट मीन्स डैट आर इज इक्वल टू प्लस माइनस में रूट फोर, देयर फॉर आर इज इक्वल टू प्लस माइनस में टू। आर की वैल्यू यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगी, एक तो नेगेटिव एक तो पॉजिटिव, प्लस और माइनस। चलो आर तो हमने निकाल दिया, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ तक कर लो पहले नोट, सही से बिल्कुल कर लिया सबने नोट। अब एस टू देखिए, पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमें क्या गिवन है, एस टू। एस टू का मतलब क्या होता है, जीपी के जो दो पद है उनका योगफल। एस टू की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का चार, क्या दे रखी है माइनस का चार। एस टू का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा, बताओ जरा, बताए अभिषेक। एस टू का मतलब, एस टू का क्या मतलब है जीपी के अंदर दो पदों का योगफल, तो सोच क्या आ रहा है, इतने में बता देकर आंसर सीधा। एस टू का मतलब है दो पदों का योगफल, ए वन प्लस ए टू, ठीक है। ए वन प्लस ए टू इक्वल टू माइनस का फोर, ठीक है। ए वन का हमारे पास कुछ हिसाब किताब नहीं दे रखा है, तो फॉर्मूला कर लो अपन। ए वन का फॉर्मूला क्या होता है, ए होता है, ए टू का ए आर माइनस फोर। यहाँ से देखिए ध्यान से, आर की वैल्यू पुट अप कर दो इसमें, यहाँ से प्लस टू रख रहा हूँ पहले, आर की वैल्यू जब लूँगा मैं प्लस टू, ठीक है। तो क्या होगा देखिए ध्यान से, ए सेम आर की वैल्यू टू इक्वल टू माइनस का फोर, और ए प्लस में टू ए इक्वल टू माइनस का फोर, थ्री ए इक्वल टू माइनस फोर, और ए इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन में थ्री, ठीक है। अगर आर की वैल्यू में प्लस टू लूँगा ना, तो ए की वैल्यू ये आएगी, अगर आर की वैल्यू लूँगा मैं माइनस में टू, तो ए की वैल्यू क्या आएगी अभी देखते हैं। पहले ये कर लो जरा, तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए आगे इसके बाद कंडीशन हो गया, चलो इसको और पढ़ लेता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ से दो वैल्यू ली, जब मैंने इसमें, ओए सुन लो पहले, जब मैंने इसमें यहाँ पे, ओए चाहे लिख देना इसके सामने, ये बच्चों इसके सामने यहाँ पे लिख देना कि हमने आर बराबर क्या करा, टू पर वैल्यू निकाली है, आर बराबर टू पर निकाली, प्लस टू पर निकाली है, ठीक है। अब निकालेंगे माइनस टू पर, वेन जब आर इज इक्वल टू माइनस का टू रखता हूँ मैं, यहाँ से आर की वैल्यू दो आई थी ना हमारे पास, प्लस टू माइनस टू। जब आर की वैल्यू पुट करता हूँ माइनस का टू, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर पुट कर लो इसको, चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड मान के चल लेना इसको सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट नहीं थी तो फर्स्ट मान लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट मान लो इसको, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, जब r की वैल्यू माइनस टू यहाँ पुट करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण एक से पहले समीकरण नंबर एक लिख लो, a प्लस ए आर इज इक्वल टू फोर माइनस फोर माइनस फोर, यहाँ पे पुट अप कर लो, क्या पुट अप कर लो, r की वैल्यू, कॉमन रेशियो r को पुट अप कर लो, इसकी वैल्यू को पुट अप कर लो, तो प्लस माइनस माइनस टू ए इक्वल टू माइनस फोर, इट मीन्स डैट माइनस का ए इज इक्वल टू माइनस का फोर, तो वी कैन से डैट माइनस माइनस कैंसिल ए इज इक्वल टू फोर, ए की वैल्यू कितनी आएगी, फोर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर से करो फटाफट, टाइम मत लगाओ भाई, हो गया। कोर्स बहुत पीछे है। देखो अभी हमने क्या करा,
ओए सुनो, जब r की वैल्यू हमने प्लस टू पुट करी तो a की वैल्यू ये आई, क्या आई? माइनस फोर बाई थ्री। जब r की वैल्यू माइनस टू पुट करी तो a की वैल्यू फोर आएगी। अब क्या निकालेंगे? gp निकालेंगे, gp गुणोत्तर श्रेणी। हो गया सबका यहाँ तक? फटाफट कर लो। तो ये दोनों वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। पहले केस में हमने r ये रखा तो ये मिला, और अब r का हमने क्या माइनस टू, तो हमें क्या मिला? a की वैल्यू 4 प्लस की, तो इसका यूज करना पड़ेगा। तो देयरफॉर गुणोत्तर श्रेणी देखिए ध्यान से, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? गुणोत्तर श्रेणी आपको पता है, गुणोत्तर श्रेणी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है, ए आर स्क्वायर, ठीक है। एक बार चाहे होल निकालो, तुम्हारी इच्छा है ना, कहीं तक भी निकालो, तुम एंसोन कर रहा हूँ मैं सीधा। अब यहाँ पर पुटअप करनी है ए और आर की मान। देयरफॉर ए की वैल्यू देखो, फर्स्ट वाले केस में ए की वैल्यू क्या आई मेरे पास? माइनस फोर। और ए की वैल्यू माइनस फोर, आर की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी पहले? प्लस टू। जब ए की वैल्यू माइनस फोर है तो आर की वैल्यू थी प्लस टू, एनसोन। तो माइनस फोर अपॉन थ्री, फोर टू जाए एट, माइनस का एट अपॉन थ्री, फोर माइनस फोर सेम पहले, ठीक है, टू का स्क्वायर फोर, एनसोन। देयरफॉर माइनस फोर अपॉन थ्री माइनस एट अपॉन थ्री, फोर फोर या सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन अपॉन में थ्री, एनसोन। जब अगर यहाँ लिख सकते हैं तुम, जब अगर r की वैल्यू प्लस टू, a की वैल्यू ये हो जाए माइनस फोर अपॉन थ्री, तो gp ये बनेगी। और जब अगर r की वैल्यू माइनस टू, a की वैल्यू प्लस फोर हो, तो तब gp क्या बनेगी? देखो आगे देखिए ध्यान से, when जब a बराबर प्रथम पद gp का हम 4 मान लेते हैं और कॉमन रेशियो माइनस टू मान लेते हैं, तब गुणोत्तर श्रेणी जीपी क्या बनेगी? तब जीपी वही मानक रूप ए आर स्क्वायर एन ए आर क्यूब, चलो इसमें मानने की जरूरत नहीं है, तीन पद बहुत है। ए की वैल्यू पुट अप करो 4, ए की वैल्यू 4, आर की वैल्यू माइनस टू, ठीक है, वो वाली ए की वैल्यू 4, आर की वैल्यू माइनस टू का स्क्वायर, एन सोन। Therefore, 4 माइनस एट, देखो माइनस टू का स्क्वायर 4 बन जाएगा प्लस का, 4 4 जा 16, प्लस का 16, एंड सोन। चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो ये दोनों ए पी हमारे पास निकल जाएगी, और ये करता आर की वैल्यू पे डिपेंड, ठीक है। आर की वैल्यू जैसे होगी वैसे हमारे पास ए पी आएगी। एक बार चेक कर लो ज़रा, कंप्यूटर मास है, प्लीज कीप क्वाइट। तो विद्वानों आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर अच्छा लगता हो तब करें, अन्यथा मत करें, कोई दिक्कत नहीं करने की। क्या क्वेश्चन है बताओ? 17वां क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। समझ लो, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4वां पद, 10वां पद, 16वां पद क्रम से x, y तथा z है, तो सिद्ध कीजिए कि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है। प्रूव करना है कि अगर ये इनके इतने इतने पद हमें गिवन है, तो बताना है कि एक्स वाई जेड जीपी के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है, सम्मिलित होंगे जीपी में। तो जरा ध्यान दीजिएगा इधर, सबसे पहले तो यहाँ मानने की आवश्यकता नहीं है, या हम सीधा गिवन से सवाल को आगे बढ़ाएंगे, गिवन डेट करके दिया है कि गिवन क्या गिवन है। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चारवा पद
यानी ए फोर इक्वल टू कितना दिया हुआ, चारवा पद तो x है, उसके बाद दसवा पद यानी ए दस कितना दिया हुआ है y, और सोलवा पद कितना दिया हुआ है z, क्रम से है ना, ए सिक्सटीन इक्वल टू z। चलो तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है, प्रूव डेट, ये टू प्रूव सिद्ध करना है, सिद्ध करना है x, y, z gp के अंदर होंगी, ठीक है, सिद्ध करना है x, y, z gp में है जी, हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन क्या है, आसान है बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसको जीपी में हमें प्रूव करना है, ठीक है, तो पहले यहाँ पर जरा ध्यान दी, यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट है, ठीक है, पहले यहाँ पर देख लो, पेन कॉपी नीचे रख करके, सिंस हमें गिवन क्या है, हमें सबसे पहले ये गिवन है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ से कर सकते हैं स्टार्ट, सीधा हिसाब किताब यहाँ से कर सकते हैं स्टार्ट, ठीक है। ये क्या कहता है कि एक्स वाई जेड जी पी में है, ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या बोला था, एक बार जरा बुक देना, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चारवा दसवा सोलवा पद क्रम से एक्स वाई जेड है, देखो ये एक्स वाई जेड किसके है, ये है जी पी के पद, किसके पद है, जी पी के, अगर ये जी पी के है पद, तो तब हम क्या कह सकते हैं, सिंस यहाँ पे तुम पहले लिख भी सकते हैं कि चूंकि एक्स वाई जेड जी पी में, जाओ जी पी में तो प्रूव करना है ना, हाँ पहले एक काम कर लो ना, यहाँ से सिंस लिख लो, सिंस ए फोर बराबर कितना दिया हुआ, एक्स दिया हुआ, ए फोर कितना दिया हुआ है, एक्स चारवा पद, तो ए फोर का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर क्यूब इक्वल टू एक्स, ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लो इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद क्या दिया हुआ, सिंस ए टेन दसवा पद क्या दिया हुआ है, वाई, दसवें पद का फॉर्मूला ए आर की पावर नाइन वाई, इसको इक्वेशन सेकंड, उसके बाद सिंस, ठीक है, सोलवा पद ए सोलह कितना दिया हुआ है, जेड, तो ए आर की पावर 15 जेड, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, लिखो फटाफट, हो गया, तो कंप्यूटर मार से, हाँ, अब सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड जी पी में है, और ये भी दे रखा है कि जी पी का जो फोरवा मतलब ए फोर है वो क्या एक्स है, चौथा पद क्या है, एक्स है, और दसवा पद वाई है, और सोलवा पद जेड है, वो बोल रखा था, ठीक है। तो जी पी में प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक सबने कर लिया नोट, चलो देखो, अगर एक्स वाई, ये एक्स, ये वाई, ये जेड अगर जी पी में है ना, तो चूंकि एक्स वाई कॉमा जेड जी पी में है, मान लिया कि हमने ये जी पी में है, ठीक है, ठीक है, अगर कोई भी संख्या जी पी में होती है तो उनका आपस में जो सार्व अनुपात होता है वो इक्वल आता है, आता है नहीं आता है, तो सिंस हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, वाई अपॉन में एक्स और जेड अपॉन में एक्स, होगा नहीं होगा भाई, अनुपात समान आता है ना, ये एक जी पी है, मान लिया ये वाली जी पी है 10, 100, 1000 है, 1000, इसका सार्व अनुपात निकालो, दूसरे क्या करते हैं, दूसरा वाला जो पद होता है पहले वाले से भाग देते हैं, अगर ये जी पी में है तब, तो फिर इसका इक्वल आता है, इसका जो सार्वंतर होगा ए थ्री अपॉन ए टू करके, है ना, इक्वल रहता है दोनों का सार्वंतर, अगर इसका सार्वंतर आर और इसका सार्वंतर आर इक्वल हो जाए तो ये जी पी में होंगी,
वरना नहीं होंगे, ठीक है। तो सिमिलरली हमने मान लिया कि एक्स वाई जेड क्या जीपी में है, अगर ये जीपी में है तो ये होगी कंडीशन, होगी नहीं होगी, इसको इससे भाग देकर जो आएगा और इसको इससे भाग देकर जो आएगा वो आपस में इक्वल आएगा, हाँ वाई वाई, ठीक है। इसको इससे भाग दे करके और इसको इससे भाग देकर जो आएगा इसका सार वो अनुपात समान आता है, तो इसको हमने समान रख दिया। अगर हमने मान लिया ना कि अगर ये जीपी में होंगे तो इनका सार वो अनुपात समान आएगा बीच का। अब यहाँ से वैल्यू पुटअप कर लो, कहाँ से, यहाँ से देखो जरा, एक्स की वाई की वैल्यू देखो क्या है, फॉर्म नंबर फर्स्ट ए आर की पावर 9 वाई की वैल्यू, सिमिलरली एक्स की वैल्यू कहाँ पे ए आर की पावर 3, जेड जेड की वैल्यू ए आर की पावर 15 और उसके बाद वाई ए आर की पावर 9, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या करना है, यहाँ से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से पावर जाएगी ना ऊपर, तो 3 9 में से 3 माइनस होगा 6, आर की पावर 6 बच जाएगा, पहली बात यहाँ पे और ऊपर जाएगा आर की पावर 6। अब देखिए ध्यान से, बराबर दो बार क्यों लग रहा, कहाँ पे ये इक्वल टू, ये है देयर फॉर निशान। अब देखिए अगर ये जीपी में थे तो देखो इनका सार्व अनुपात समान आ रहा है, देखो आ रहा है ना, इसका भी जो सार्व अनुपात आर है और इसका भी जो सार्व अनुपात आर है वो देखो इक्वल है दोनों आर कटने के बाद। अगर ये इक्वल है, काटना नहीं है, अगर ये इक्वल है तो यहाँ पर लिख लो देयर फॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर इनका सार्व अनुपात इक्वल आ रहा है ना, इन संख्याओं का अगर सार्व अनुपात इक्वल इक्वल आ रहा है तो ये संख्या जीपी में होंगी ना, होंगी नहीं होंगी भाई, हमने चेक कर दिया, ये वाले रूल तो हमें दे रखे थे, इनकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करके हमने देख लिया कि इसका सार्व अनुपात और इसका सार्व अनुपात इक्वल इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो देयर फॉर अब हम क्या बोल सकते हैं, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ रही है, तो वी कैन से डैट, अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि देयर फॉर एक्स, ये वाली एक्स वाई जेड जीपी में है, जीपी में है, हेंस प्रूव, यहाँ लिखना है इति सिद्धम, हिंदी वाले तो लिखते हैं इति सिद्धम, संस्कृत का शब्द है लेकिन इंग्लिश वाले हेंस प्रूव एचपी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई नहीं आई, नोट कर लो फटाफट सभी बच्चे, यहाँ तक ध्यान से नोट कर ले, दो दिन में कंप्यूटर में, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिखाओ क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में फंसने के चांसेस के, विविध में भी था ऐसे क्वेश्चन और एग्जांपल भी था ऐसे, है ना, 777 वाला था ना एग्जांपल, सेम करना है इसको भी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रहे, हाँ 4 नंबर का है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट, IMP मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखिए अनुक्रम दे रखा है, मैं लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन में, अनुक्रम अनुक्रम यानी सीक्वेंस गिवन है 8,888,888 एंड सोन के एन पदों, इस सवाल को ध्यान से करना सभी बच्चे, एन पदों का योग ज्ञात कीजिए, एन पदों तक का योग ज्ञात कीजिए, करो ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए, ठीक है पकड़ लो, आई बात समझ में यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब देखो पहले ये जो नंबर का सीक्वेंस है ना, ये ना तो एपी लग रहा है देखने में, ना तो जीपी लग रहा है, ठीक है, ये है विशेष प्रकार का क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा हमें ट्रिक यूज करनी पड़ेगी बाहर से अपने से, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, और इसीलिए ये क्वेश्चन क्या बन जाता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कॉपी में कैसे लिखना है, फेयर कॉपी में कैसे लिखना है वो सब लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मान लेना इस सीक्वेंस को SN के बराबर, इसका योग पूछ रहा है ना योग, तो इसको एक श्रेणी मान लेंगे, माना SN और उसके बाद इसको श्रेणी की फॉर्म में लिख देंगे प्लस करके 888
प्लस एन सोन, ऐसे लिख लो ठीक है, एन पदों तक, कहां तक, एन पदों तक। चलो अब देखिए बच्चों, इसको सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ती है, जीपी बनानी पड़ती है ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 8 को कॉमन निकालते हैं। सबसे पहले काम क्या होता है, 8 को कॉमन निकालना ठीक है, 8 को क्या करना, कॉमन निकालना। तो SN इज इक्वल टू, ऊपर से 8 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस में डबल 1 ट्रिपल 1 ट्रिपल 1 प्लस में एन सोन, कहां तक, n पदों तक, n टर्म्स तक ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते, ध्यान रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है। क्या हो गया, दो बच्चे सही है ना। चलो अब देखिए बच्चों क्या करना है, ट्रिक इसमें केवल ये रहती है, ऊपर नीचे क्या करना है, 9 से इंटू भाग, इंटू और डिवाइड दोनों करने पड़ते हैं, गुणा और भाग। तो 8 देखिए यहाँ पे, पहले यहाँ पर समझ लो, इसमें हमने क्या करा, 9 से भाग और 9 से गुणा करा सीधा अंदर ठीक है, इंटू देखो 9 से डिवाइड कर दे यहाँ पर, अब होगा 9 से मल्टीप्लाई अंदर कराऊँ सीधा, तो 9 वन जन 9 डबल 9 ट्रिपल 9 चौपल 9 प्लस में एन सोन, कहाँ तक, एन पदों तक, एन पदों तक योगफल फाइंड करना, निकालना एन पदों तक ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या करते, दूसरा स्टेप ये रहता है, ऊपर से हम कुछ नहीं करते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते, देखो 10 माइनस 1 लिख देते, 10 की फॉर्म में इसको ब्रेक करते सबको, 10 माइनस 1 कितना होता है 9। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 99 को 100 माइनस 1 लिख देंगे, 99 मिलेगा, प्लस 1000 माइनस 1 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 999 प्लस 10000 ठीक है, 10000 माइनस 1 9999 प्लस में एन सोन, कहाँ तक, एन पदों तक, कहाँ तक, एन पदों तक लिख देना, हर एक स्टेप में एन पदों तक ऐसे। आ रहे समझ में आकाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का आएगा ध्यान रखना। ऐसे ही क्वेश्चन एक एग्जांपल भी है और ऐसे ही क्वेश्चन आगे उसमें भी विविध में है ना, ऑप्शनल में, ध्यान रखना इस बात का, और इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 4 नंबर का बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब देखना ध्यान से क्या करना, समझ लो पहले, पेन कॉपी सब बंद होनी चाहिए देखिए ध्यान से, जो स्टार्टिंग वाले नंबर है उसको एक सिक्वेंस में लिखेंगे, 100, 1000, 10000 और 10000 एक साथ लिखेंगे प्लस करके। तो पहले लिखा मैंने प्लस का 10, फिर क्या लिखा 100, फिर प्लस का 1000, प्लस का 10000 ठीक है। और देखो ऐसे लिखने से बढ़िया ये है कि तुम इसको लिखो पावर की फॉर्म में है ना, ऐसे में फिर क्या होगा कि बहुत लंबा जाएगा, तो इसको लिखता हूँ पावर की फॉर्म में सीधा, 10 की घात 1 10 ही होगा, प्लस 10 की घात 2 100 प्लस 10 की घात 3 और प्लस 10 की घात 4 प्लस एन सोन, कहाँ तक, एन पदों तक दोनों जाएंगे, ये 1 भी और ये नंबर भी सारी एन पदों तक, एन पदों तक ठीक है, अलग ब्रैकेट में। अब देखो क्या करना है, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, इसमें से मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन लूँगा 1 का, इस माइनस 1 का जब माइनस कॉमन लूंगा ना बाहर ऐसे, माइनस कॉमन लूंगा तो ये 1 बन जाएंगे प्लस के सारे, माइनस कॉमन लेने से, अगर इसका इनटू होगा अंदर फिर माइनस 1 आएगा सारा, 1 1 कितनी बार है 1 4 बार, प्लस एन सोन एन पदों तक, एन पदों तक लिख देना यहाँ पर जगह नहीं है थोड़ा सा ठीक है, एन पदों तक।
आई बात समझ में, एन पदों तक, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, पहले वाली सीक्वेंस देखिए, पहले वाला जो ब्रैकेट है उसमें जीपी बना हुआ है, ध्यान से चेक कर लो, कॉमन रेशियो इक्वल आएगा, 10 बचेगा यहाँ पर भी 10 बचेगा, इनका कॉमन रेशियो और यहाँ पर भी 10 आएगा, पहले वाला सीक्वेंस तो जीपी हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 कितनी बार लिखा हुआ, एन बार, एन पदों तक, तो 1 इंटू एन यानी एन आएगा खाली इसका आंसर, है ना भाई। 1 कितनी बार है, एन तक जा रहा है, 1 इंटू एन इक्वल टू कितना आएगा, एन पद। मान लिया अगर 2 लिखा होता, कहाँ तक लिखा होता, एन पदों तक, तो क्या आंसर होता, 2n सीधा, 2 को n से मल्टीप्लाई 2n आता। अगर 10 लिखा होता n पदों तक, 10n, तो ध्यान रखना 1n का मतलब n लिख दे सीधा वहाँ ऊपर, अब ठीक है। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 1 को ऐड कर दे n बार, तो 1 इंटू n यानी n। तो अब ध्यान से देखिए इधर, यहाँ बन गया GP, ठीक है। अगर GP है और R की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 10 आएगी, और वो क्या होती, 10 से बड़ी होती, ग्रेटर होती 10 से, तो देयरफॉर अगर यहाँ पर ग्रेटर है तो फॉर्मूला ये था, देखिए अगर R का मान ग्रेटर होता है 1 से, तो SN इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस में 1 आर माइनस में 1 फॉर्मूला होता है। इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर लगाना है इस वाली सिक्वेंस में, और यहाँ से ए की वैल्यू आपकी आएगी 10 और R की वैल्यू भी क्या आएगी, 10, ठीक है। यहाँ खोल लो सीधा ये इसके नीचे, देखो ए, ए क्या है 10, आर, आर क्या है यहाँ पे, ये 10, आर की पावर एन, एन नहीं पता है, और आर माइनस 1, 10 माइनस में 1, आर की वैल्यू रख दी यहाँ पर 10 और ये माइनस 1 चल रहा है सेम, ठीक है। चलो इतना हो गया, फिर यहाँ पे लगाओ माइनस, 1 जा रहा है एन पदों तक, तो 1 इंटू एन यानी एन आएगा सीधा, तो मैं लिख रहा हूँ एन ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एस एन इज इक्वल टू 8 अपॉन में 9, 10, 10 की पावर n माइनस में 1, और इसको माइनस करो 9 माइनस में n, ठीक है। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा और करना चाहते हो तो एक स्टेप और होगा, देखो कैसे होगा ये, इसका मल्टीप्लाई अंदर करो, 80 और 9, 9 जाए 81, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है, 10 की पावर n माइनस में 1 माइनस में इस नंबर का मल्टीप्लाई n में भी 8n माइनस में 9, बस ये आंसर होगा तुम्हारा, चेक कर लो, चेक कर लो, कहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे छोड़ा या वहाँ छोड़ा, ठीक है। तो इनटू कर ले इसने पूरे के अंदर ब्रैकेट, तो नोट कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा 4 नंबर में आता है, ठीक है, चेक कर लो सभी बच्चे।